जय हिंद, फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सी कॉस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड को एक बार फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद होगा इस कंपनी के बारे में तकरीबन 2 सप्ताह पहले एक बार मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, और तब मैंने बताया था कि इस कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी आने वाली है। ये मैंने क्या देखकर बताया था, और उसके बाद आप देखेंगे तो इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, लगातार इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने इस कंपनी के वो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको बताया था, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस देखिए फंडामेंटल बाद में बताएगा लेकिन टेक्निकल पहले ही बता देता था चार्ट के माध्यम से कि इसमें क्या होने वाला है। तो मैंने चार्ट देखकर आपको बताया था कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी तेजी आने वाली है। जिन लोगों ने उस समय देख इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, या जो पहले से भी इन्वेस्टमेंट करके इसमें बैठे हुए थे वो अभी मुनाफा में चल रहे होंगे, या जो काफी पहले बाई किए थे और लॉस में होंगे तो उनका लॉस धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अब देखिए अभी इस आज के दिन इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आज के दिन मैं बताने वाला हूं कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग कब से शुरू हो सकती है, आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। आज के दिन 3.48 रुपये पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है, और आज के दिन में देखेंगे तकरीबन 5% की अच्छी खासी इसमें उछाल देखने को मिली है। ये उछाल आप देखेंगे यहाँ तो तकरीबन एक सप्ताह से अधिक समय से देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह हम देखेंगे तो ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट पर ही अपर सर्किट पारते ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में भी ये स्टॉक तकरीबन अच्छी खासी चढ़ा है। 29 मार्च के बाद से तो ये स्टॉक देखेंगे तो रॉकेट बन गया है, और तकरीबन 2 सप्ताह पहले से मैं वीडियो बनाया था तो वहाँ पर भी मैंने क्लियरली बताया था कि अब जो अप्रैल मंथ शुरू होने वाला है उसमें देखेंगे तो इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, और लगातार इस तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में स्टॉक अभी निगेटिव में ही है, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन साल भर से लंबी अवधि के जब आप चार्ट देखेंगे तो पाएंगे कि स्टॉक निगेटिव ट्रेंड में है। तो अब इसमें सुधार आना शुरू हुआ है, और ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक साल भर से निगेटिव में आ रहा है तो अब कुछ ही दिनों में ये 1 साल का गिरावट को जो है बरोबर कर देगा। धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो साल भर से गिरावट आ रहा है इसको ब्रेक करके एकदम इसके ऊपर चला जाएगा, हाई लगाते हुए नया हाई लगा देगा। लगेगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर देखेंगे सी कॉस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड को जब हम 1 साल के चार्ट पर इस कंपनी को ओपन करते हैं तो 1 साल के चार्ट पर आप पाएंगे कि ये कंपनी का शेयर प्राइस जहाँ तक गिरना था वो गिर चुका था तकरीबन जून जुलाई तक। गिरने के बाद देखेंगे तो ये स्टॉक अब एक रेंज बाउंड में चलने लगा था। रेंज बाउंड में चलने के बाद क्या हुआ कि अभी यहाँ पर फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट करके नीचे आया, और मैं क्लियरली आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये एकदम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आके ये जो लाइन में यहाँ पर ड्रॉ किया जहाँ पर ये आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर उठा है, तो यहीं पर आप देखेंगे तो आगे जब आया इस लेवल पर तो इसी लेवल पर आकर इसने तकरीबन 2 रुपये के आसपास आके सपोर्ट लिया और फिर ऊपर उठने लगा। तो मैंने यही देखा था कि जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर दिया है तो कहाँ तक आ सकता है, क्लियरली पता लगा था कि यहाँ तक ये आ सकता है, और यहीं तक आया देखेंगे एकदम स्पष्ट, और फिर यहीं से प्राइस इसका ऊपर तक जाने लगा। अब सवाल है कि और ऊपर कितना जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो तकरीबन 1 साल से देखेंगे तो स्टॉक जो निगेटिव ट्रेंड में था तो इसको ब्रेक करके एकदम से फिर से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक आ जाएगा, जाएगा लेकिन समय लगेगा। अभी देखिए अभी सबसे पहले स्टॉक 4 रुपये तक आएगा, क्योंकि 4 रुपये पर कई बार इसने अपना सपोर्ट लिया है और ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो जब तक ये 4 रुपये के ऊपर आकर कुछ दिनों तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसमें एक अच्छी खासी तेजी, अब वैसे तो अभी अच्छी खासी तेजी चल रही है लेकिन और अच्छी तेजी, यानी कि इसका प्राइस 6 रुपये के आसपास तब जाएगा जब 4 रुपये के ऊपर कुछ दिनों तक सस्टेन करेगा। तो ये बात आप समझ गए। अभी आपको करना क्या है कि अभी जैसे इस स्टॉक का प्राइस 4 रुपये तक पहुंचता है आपको इसमें अपना हाफ क्वांटिटी सेल कर देना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। देखिए पैसा जो गांधी जी आ रहे हैं ना, गांधी जी को कैसे भी करके जाने नहीं देना है, थोड़ा बहुत गांधी जी बचा के रखिए, और फिर आपके पास जो भी हाफ क्वांटिटी रहेगा उसको संभाल के रखिएगा लंबी अवधि के लिए यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो। क्योंकि सी कॉस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस कंपनी का जो काम है बेसिकली लॉजिस्टिक का काम है, और ट्रांसपोर्टेशन का समुद्र के माध्यम से भी कंपनी अपना कंटेनर के माध्यम से सामान इधर उधर भेजती रहती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लाइन का बिजनेस होता है, खासकर जो कार्गो का बिजनेस है, काफ़ी फ्यूचर में ग्रो करेगा और फंडामेंटल भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो छोटी कंपनी है, 170 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, लेकिन देखेंगे तो शेयर प्राइस इसका बुक वैल्यू से ऊपर है जो कि बहुत बढ़िया बात है, और इसका आरओई और आरओसी देखेंगे तो निगेटिव में नहीं है। हालांकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती क्योंकि छोटी कंपनी, तो इससे आप डिविडेंड की अपेक्षा भी नहीं कर सके, अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सी कॉस्ट शिपिंग लिमिटेड के बारे में जो बात मैंने आपको बताई आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या करना है मैंने बता दिया है, फ्रेश एंट्री अभी नहीं लेना है। इसके अलावा मन में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट को रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और यदि आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप Angel One या MStock के साथ अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।